नमस्कार दोस्तों, रोबोट मेकिंग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक आर्डिनो बोर्ड में, आप आर्डिनो बोर्ड कोई भी ले लीजिए, चाहे नैनो ले लीजिए, चाहे मेगा या फिर योनो, ठीक है। तो कोई भी आर्डिनो बोर्ड पे जब भी हम लोग कोडिंग अपलोड करेंगे, तो जब कोडिंग अपलोड करेंगे वो कोडिंग किस तरह हम लोग डिलीट करेंगे, मतलब इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर से किस तरह इसको क्लियर करेंगे कोडिंग को, तो वो किस तरह करेंगे आप लोगों को आज बताएंगे। तो बहुत ही इजी है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे देखिए माइक्रो कंट्रोलर क्या है। आर्डिनो बोर्ड मतलब ये जो पूरा का पूरा बोर्ड है, इसको हम लोग आर्डिनो बोर्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों को इजी कर दिया है। क्या इजी किया है? हम लोग इससे डायरेक्ट कोड अपलोड कर सकते, या फिर हम लोग जो कोड अपलोड किया है उसको हम लोग इस पिन के माध्यम से आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग आर्डिनो बोर्ड कहते हैं। तो कंपनी क्या कर रहा है, इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो छोटा छोटा जो माइक्रो कंट्रोलर है, उसको यहाँ पे फिट करके इसको बोर्ड को बनाया है हम लोगों के सुविधा के लिए। तो हम लोग इस माइक्रो कंट्रोलर को भी खोल के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो माइक्रो कंट्रोलर आप देख रहे हैं, सभी में एक माइक्रो कंट्रोलर होगा और साथ में और भी कुछ चिप्स होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए रिसेट बटन है, यहाँ पे देखिए यूएसबी, ये जो चिप्स दिख रहे हैं ये यूएसबी आईसी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो यूएसबी का कनेक्शन होगा, वो यूएसबी किस तरह इसके अंदर कोडिंग को डालेगा ये काम करेगा। और यहाँ पे मेगाहर्ट्ज भी है इस आईसी को चलाने के लिए, मतलब ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको चलाने के लिए ये मेगाहर्ट्ज चाहिए। और यहाँ पे 7805 यानी कि 5 वोल्ट का भी ये जो आईसी है वो इसमें है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर में इस पर अवेलेबल है। तो इस पर सारे पुर्जे एक साथ लगा के उसके बाद ये माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो में बदल गया है, ठीक। तो इस पर हम लोग एक कोड अपलोड करेंगे इसके अंदर, या फिर इसके अंदर, या फिर इसके अंदर, कोई भी बोर्ड के अंदर हम लोग एक कोड अपलोड करेंगे पहले। तो उसके बाद इस कोड को किस तरह डिलीट करते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, इसके लिए आप लोगों को कंप्यूटर में चलना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पिन मोड हमने 13 नंबर यूज़ किया है आउटपुट के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, लूप में हमने लिखा है, डिजिटल राइट किया है, 13 नंबर पिन को हाई किया है, वो कि डिले होगा 1000 माइक्रो जो सेकंड के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद लो होगा 13 नंबर पिन, उसके बाद लो, इतने टाइम तक लो रहेगा। तो इस तरह हमने ये प्रोग्रामिंग किया है। और हमने जो आर्डिनो बोर्ड है, ये देखिए आर्डिनो बोर्ड, इस पे हमने 13 नंबर पिन को एक एलईडी के माध्यम से लगाया है और दूसरा पिन ग्राउंड पे लगा दिया। तो इस पर अभी कोई कूट नहीं है, तो मैं अभी कूट को अपलोड करूँगा। तो जब भी अपलोड कर रहा हूँ, तो देखिए अपलोड होने के बाद ये एलईडी ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब जो 1000 माइक्रोसेकंड के माध्यम से ये ऑन और ऑफ हो रहा है। तो इस तरह ये काम कर रहा है। लेकिन हम लोगों को मान लीजिए अभी इसको ब्लैंक करना है, ये जो आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अभी जो कोडिंग हमने अपलोड किया है वो कोडिंग इस पर चला गया है, तो अभी इसको ब्लैंक करेंगे। तो ब्लैंक करने के लिए यहाँ पे देखिए फाइल पे जाना होगा आप लोगों को, उसके बाद न्यू, इस पे देखिए न्यू होगा। न्यू में क्लिक करने के बाद ये नया एक विंडो खुल जाएगा, ठीक है, आर्डिनो का। तो यहाँ पे देखिए कुछ कोड नहीं है, पुट योर सेट कोड हेयर वगैरह वगैरह लिखा होगा, लेकिन इस पर कोई कोड नहीं है, ब्लैंक है। तो इसको जब भी हम लोग अपलोड कर देंगे, तो अपलोड करने के बाद देखिए एलईडी बंद हो जाएगा। तो अपलोड होने के बाद देखिए एलईडी टोटली ब्लैंक हो गया, मतलब इस पर कोई अभी कोड नहीं है, इस पर डिलेट है, ठीक, मतलब इस पर कोई कोड नहीं है, यहाँ पे कोड पूरा का पूरा ब्लैंक है। तो अभी हम लोग इस जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको कोई भी जो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर पे लगा सकते हैं, ताकि कोई खराब ना हो, ठीक है। तो एक्चुअली इसको क्लियर करने के बाद, मतलब इसका जो पहला का कोड है उसको डिलीट करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट पे हम लोगों को लगाना होगा, नहीं तो क्या होगा, दूसरे प्रोजेक्ट पे अगर लगाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय। चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें,
और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।